जितने भी ये लोग YouTube पर अनाउंस कर रहे हैं ना, हम खेलेंगे अमेचर ओलंपिया, हम खेलेंगे अमेचर ओलंपिया, जीतना तुम्हारा भाई है तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझ आई? जीतना तुम्हारा भाई है इस साल का अमेचर ओलंपिया, तो रहने दो। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हक बादल उप्रेती। गाइस, वीडियो को आपने देख लिया होगा, देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आज किसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, ये वीडियो डालने का सबसे पहले एक पर्पस है कि मेरे को बहुत सारी पब्लिक ऐसी डिमांड है जो कि लोगों ने बोला है कि सर इसके ऊपर भी अपने वीडियो बनाइए, क्योंकि मैंने पहले अभी कुछ टाइम पहले मैंने तरुण गिल के ऊपर वीडियो बनाया था, तो लोगों को मेरी बात में दम लगा, उनको ये लगा कि ये बात सच बोल रहा है। कई ऐसे हेटर्स थे जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, मतलब कई ऐसे हेटर्स थे मेरे जिनको मेरी बात पसंद आई, उनको ये लगा कि मैं बात सही बोल रहा हूँ और मेरी बात में दम है। तो होता है, अपनी अपनी बात है, लेकिन ये पब्लिक डिमांड है, इसकी वजह से मैं 20 के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी बात, सबसे पहले फिर से वही बात कहूँगा, अगर कोई रोहित भाई का फ़ैन है या उनको पसंद करता है या उनका भाई बंद है, कोई भी एक्स वाई जेड, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है और उस इस वीडियो से उसके दिल को ठेस पहुँचती है, तो मैं तहे दिल से उसको माफ़ी मांगता हूँ। बट मैं कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करूँगा यहाँ पर, और ये बताऊंगा कि देखो किस तरीके से ये पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है और क्या है ये चीज़, इसके बारे में बात करूंगा आज। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसको आपने सब्सक्राइब जरूर करना है और इसको लाइक करना है, शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो उस रोहित भाई तक भी इसको पहुँचा देना। देखिए, ये बात उन दिनों की है। देखिए, सिंपल सी बात है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, कितने भी 1 लाख सब्सक्राइबर, आई मीन 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। बात है नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। अब रोहित भाई की बात करूँ मैं, रोहित भाई, ये देखो सिंपल सी बात है, आपने इस वीडियो को देखा होगा, वीडियो से कई लोग जो समझदार हैं वो समझ रहे होंगे, और कई लोग मतलब सभी लोग समझ चुके होंगे कि ये दिस इज़ जस्ट ओनली पब्लिसिटी स्टंट। हाँ माँ, वो टेबल पे 10 लाख का चेक मैंने ही रखा था, और ये घर की सारी गाड़ियां कहाँ गई थी आज, BMW लेके आनी पड़ी मुझे। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी बिल्कुल। हाय, संजय राम। हाय, I am जतिन शर्मा। काफी रिच लगते हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो एक छोटा सा करोड़पति हूँ। अरे वे, साइकिल खड़ी कर रखी बीच में, हटा उसने, अपनी गाड़ी खड़ी करूंगा मैं। भोसड़ी के बेटे बेटे, ओ बेटा मौज कर दे। जैसे कि तरुण गिल भाई हर दूसरे दिन एक वीडियो डाल रहे हैं, उनके बारे में मैंने बोला कि हर दूसरे दिन एक वीडियो डाल रहे हैं, पब्लिक को मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि जिससे पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड हो, ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं सेरू क्लासिक खेल रहा हूँ तो मेरे को मतलब ज़्यादा वहाँ पर रिस्पॉन्स मिले, मेरे को लोग आएँ देखें। पब्लिक को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, जैसे राखी सावंत करती है, वो क्या करती है, कभी कुछ प्रणाम करती है, कभी कुछ करती है, तो लोग क्या उसको फॉलो करते हैं। जैसे दीपक कलाल भाई हमारे, वो भी ऐसी हरकतें करते हैं कि उनको पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉलो करे। एक मसला खड़ा हो गया। इतना मसला ही क्यों जो कि खड़ा हो गया। तो देखो, एक तो होता है इज्जत कमाना, कि आपके अगर 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, आपकी इज्जत है तो भी आपकी इज्जत है, और आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, 10 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, और उसमें 90% कमेंट आते हैं, वो भी आपको जो है गाली आती है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसी पब्लिक को नॉलेज बांटते हो, कैसा आप बिहेव रखते हो उनके सामने, किस तरीके से पब्लिक आपको प्यार करती है। अब बात आती है भाई साहब की, भाई साहब बोल रहे हैं कि आपका भाई जो है ओलंपिया में जीतना ही जीतना है, आपने जो है खेलना मत खेलो, आप ये मत सोचना कि आप जीत जाओगे या मैंने ही जीतना है। तो भाई साहब, आपको मैं एक बात बताऊं, आप मतलब एक्सरसाइज करोगे कब? सुबह से शाम तक तो यार आप मुट्ठी मारते रहते हो, आप लोगों को बोलते हो कि सर आप मतलब सुबह जाओ तो जिम में जाओ तो ये करो, शाम को जाओ तो मास्टरबेशन करो, गाड़ी में मास्टरबेशन करो, वर्कआउट के बाद मास्टरबेशन करो, इससे बॉडी बन जाएगी आपकी, जो मतलब मेरे को समझ में नहीं आया भाई साहब। आप ये छोटी सी जो आपकी जितनी बड़ी आपकी डोली है, ये जितनी बड़ी आपकी डोली है उससे बड़ी तो भाई साहब हमारी गोली है। तो आप क्या दिखाओगे वहाँ ओलंपिया में? अरे भाई साहब, वहाँ एक से एक तोप आते हैं, ओलंपिया है वो मजाक नहीं है,
और आपको मैं वही बात बोलूँगा जो मैं बत्रण भाई को बोला था यार, पहले स्टेट लेवल तो खेल लो। स्टेट लेवल आपने खेला नहीं है, आप सीधा ओलंपिया खेलने के लिए चले गए हो। माना कि आपकी पहुंच बहुत है, माना कि आपकी पहुंच जो है यूट्यूब में काफ़ी अच्छी है, आपके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बट सब्सक्राइबर का मतलब ये नहीं कि लोग आपको सब्सक्राइब करें तो आप इसका मतलब ये समझो कि आप बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके, नहीं। कई लोग क्या होते हैं, जब आपने देखा होगा मदरिया का कोई जो है मदारी जो बंदर बंदर का खेल कराता है, बंदर बंदरिया का खेल दिखाता है, तो उसमें लोग बहुत लोगों की भीड़ लग जाती है। तो आप कुछ लोग ऐसे हैं YouTube चैनल पे जिनको लोग जो है इसलिए भी सब्सक्राइब करके बैठे हैं कि उनको मजा आता है बंदर बंदरिया का खेल देखने में। एक आदमी आने वाला है मस्त पे कि उसको मैंने बाटली में उतारा है। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज ही ऐसी है साला, बड़े बड़े उतर जाते हैं। ये कह रहे हैं मैकेनिक, रात भर खांस रहा था, जा जाके मेरे बाटली से दो घूंट मार ले जा। क्यों, दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जाएगा? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, देखिए अगर आपने अमेच्योर ओलंपिया खेलना है तो आप खेलो, इसमें बोलने की क्या जरूरत है, पब्लिक को चैलेंज करने की क्या जरूरत है। आप सिर्फ, आपका ये पब्लिसिटी स्टंट है कि आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आपकी हर वीडियो को देखें, आपके सब्सक्राइबर और बढ़ें, आपके फॉलोअर्स और बढ़ें, दैट्स इट, कुछ नहीं है। ये आप भी जानते हो कि पीछे से आपने फर्स्ट आना है, ये हम भी जानते हैं, ये पब्लिक भी जानती है। रही बात आपको मोटिवेट करने की, देखो आप, मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ऐसे भी कई कमेंट आएंगे कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं, डिमोटिवेट आप कर रहे हो पब्लिक को, क्योंकि आपने सबसे पहले ये बात बोली है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी खेल लो, जितना आपका भाई है जितना मैं नहीं है, तो मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस आपको कैसे, अमेच्योर ओलंपिया में क्या आपकी सेटिंग है, क्या आप पहले से वहाँ पे सेटिंग करके बैठे हो कि मैंने वहाँ पे जाके खेलना है, और 1,00,000 रुपये तक का आप इनाम देख रहे हो, अगर कोई जीत जाए टॉप 5 में भी आ जाए तो 1,00,000 रुपये का इनाम लूँगा। भाई क्या बोल रहे हो आप, कुछ भी बोले जा रहे हो। आपको पता है हिंदुस्तान में एक से एक चैंपियन है, एक से एक चैंपियन है। ओलंपिया में मैं आपको कई ऐसे बंदे दिखा दूंगा जो गोल्ड मेडल हैं, ये सब अमेच्योर ओलंपिया की बात कर रहा हूँ मैं। आप अमेच्योर ओलंपिया खेलोगे ना, आप, अच्छा हुआ आपने अमेच्योर ओलंपिया बोला, अच्छा हुआ आपने वो रॉनी कोलमैन के साथ आई मीन बिग रैमी के साथ नहीं फाइट करने चले गए। भाई साहब आप स्टेट लेवल खेलो पहले, डोले सोले बनाओ, मैं फिर से बोल रहा हूँ भैया, जितनी बड़ी आपकी डोली है उतनी बड़ी हमारी गोली है। कौन सी गोली है वो समझ रहे होंगे आप, रीज़न ये है आपकी गोली छोटी होने का, रीज़न ये आपकी डोली और गोली छोटी क्यों, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप गुमराह करते हो पब्लिक को। आप खुद तो यार गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहे हो, दूसरे को बोल रहे हो कि मास्टरबेशन करो, यार क्यों गुमराह कर रहे हो पब्लिक को। ठीक है आपको आता है, मज़ा आता है, अच्छी अच्छी बात है, लेकिन आपने एक ही टॉपिक के ऊपर कम से कम 10 से 12 वीडियो बना दी। तो भाई साहब ऐसा मत करो, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, देखो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। लेकिन गुरु जी आप कभी मेरे साथ वर्कआउट करने आओ, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, इतनी गारंटी से बोल रहा हूँ कि 1 हफ्ते तक आप बैठ से उठोगे नहीं। एक दिन मेरे साथ लेग का वर्कआउट करो भाई साहब। आज मैंने लेग का वर्कआउट किया है रियली, मैं आय हाय हाय हाय, इतना पेन हो, इतना महसूस, इतना आराम महसूस हो रहा है मेरे को कि मेरे जैसा अगर आप वर्कआउट कर लो, एक दिन मेरे साथ वर्कआउट कर लो, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको, अगर आप रोड पर चलोगे कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा आपने जो है वो आप लेग मार के आए हो, हर कोई यही बोलेगा कि आपका जो है पेट खराब है और आपका आपका कच्चा गीला हो गया है, क्योंकि आपकी चलने की स्टाइल जो होगी ना वो बतक वाली होगी, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपने लेग वर्कआउट किया है। रीज़न उसका मैं बताता हूँ, देखो अगर मैं शॉर्ट पहन के अगर ऐसे चलूँगा तो समझ जाएंगे लोग कि भाई इसकी थाई बड़ी है इसके लिए ऐसा चल रहा है, बट आपकी आपका डोला ही नहीं है, थाई कहाँ से होगी, जितनी बड़ी आपकी थाई है उससे बड़ा तो हमारा बाइसेप्स है भाई। अब चलो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखो अगर आप थाई मारोगे तो आप रोड पर चलोगे तो आप में और हम में डिफरेंस ये है, आई मीन मेरे जैसे बॉडी बिल्डर को बोलेंगे लोग कि इसने आज लेग मारी है भाई, पक्का तभी ये जो है ऐसे चल रहा है, बट आप जिस दिन थाई मारोगे मेरे साथ उस दिन के बाद आप 1 हफ्ते तक बिस्तर से मत उठना, क्योंकि लोग यार कुछ भी समझ जाते हैं। और आपकी मैंने एक वीडियो और देखी थी जिसमें आप पब्लिक में शर्ट उतार के चले गए थे,
भाई साहब आप शर्ट उतार के चले गए, अच्छा हुआ आप पैंट मत उतार देना कहीं वहाँ। आजकल गली में बहुत सारे कुत्ते हो रहे, जो अगर कोई आड़ा टेढ़ा चलता है कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा ना हो आपको भगा भगा के जो है सचमुच में गिल्ला पिल्ला कर दे। तो मेरे भाई नॉलेज, नॉलेज इज पावर। एक बात आपकी मेरे को बहुत पसंद आई, दिल से बोलता हूँ, ये मजाक की बात नहीं है, दिल से बोलता हूँ कि आपने जो बोला कि स्ट्रॉइड से जो है बॉडी बनती है, वो बात आपने सच बोली है, उस बात का आपका जो है सल्यूट है कि आपने एक बात सही बोली। लेकिन जो आप पब्लिक को चैलेंज कर रहे हो, एथलीट को चैलेंज कर रहे हो और डिमोटिवेट कर रहे हो कि मैंने जीतना है, ये गलतफहमी दिल से निकाल दो, क्योंकि आप पीछे से फर्स्ट आने वाले हो। ये मैं आप अभी आपको लिख के दे रहा हूँ, आपने बोला 1,00,000 रुपये दूंगा। भाई 1,00,000 रुपये कहाँ से लाओगे आप? आप कहाँ से लाओगे 1,00,000 रुपये? मुझे मालूम है आपकी कमाई, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में वैसी कमाई दमाई नहीं है, ऐसी हवाई फेर मत किया करो, ऐसी हवाई फेर लोग घर से उठा लेंगे आपको, कहेंगे ला 1,00,000 रुपये, ऐसा ना आपको कंकाल बना दे, क्योंकि यहाँ एक बंदे नहीं पता नहीं कितने बंदे जीतने वाले हैं ओलंपिया में। और मैं आपको बता दूँ, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे बंदे हैं, ऐसे ऐसे एथलीट हैं कि आपने देखे भी नहीं होंगे। आप दो ऐप्स आपके यहाँ पर आते हैं, एक ऐप्स आपका यहाँ पर आता है, उसके बाद आपका दिखता ही नहीं है, ऐप्स है मतलब बॉडी में कुछ है ही नहीं यार, आप ऐप्स की बात कर रहे हो, ऐप्स एक दो, इसके बाद आपका ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरा मैदान चौपट हो गया होगा, रेगिस्तान हो गया होगा, उसके बाद ऐप्स ही नहीं दिखते आपके। थाई मैंने आपके आज तक देखी नहीं कभी, और आप बार बार डोला दिखाते रहते हो, डोला, अब डोला नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं डोली। 50 किलो का बंदा सारा ओलंपिया में चैलेंज कर रहा है, भाई 50 किलो से अगर वेट गिराओगे, बॉडी को शेडेड करोगे, आपने 40 में आ जाना है, वैसे भी अंडर वेट हो जाओगे आप, तो आपको वैसे भी खेलने को नहीं मिलेगा। और बाय चांस अगर पत्थर पुत्थर रख के जेब में कहीं आजू बाजू पत्थर उत्थर रख के आपने एडजस्ट कर भी लिया वेट या कुछ अंदरूनी कुछ चीज़ डाल दी, उसको वेट एडजस्ट कर भी लिया, 50 किलो आ गया, तो 50 किलो में इतने सारे बंदे होते हैं, आपका नंबर नहीं आएगा। इस बात को मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप मेहनत करना छोड़ दो, मत करो मेहनत, और पब्लिक को मत धमकाओ यार, पब्लिक को चैलेंज मत करो। पब्लिक आपके पहले से ही आपके वीडियो से परेशान है यार, और सच बताऊँ मेरे को आपके इतने सारे नोटिफिकेशन आते हैं, आई मीन बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं आपकी वीडियो सेम वही चीज़ कहूँगा, मैं आपकी वीडियो कभी नहीं देखता। उसका रीज़न यही है कि मुझे पता है आपने अंदर कुछ ना कुछ उठपटांग बातें करी होंगी, लेकिन आपका एक चीज़ बोलना पड़ेगा, आप जो झूठ बोलते हो ना, झूठ भी बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हो, और पब्लिक को जो चैलेंज करते हो ना, कहाँ से लाते हो यार, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? मतलब कहाँ से आता आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भाई, झूठ बोलने का और पब्लिक को चैलेंज करने का? यार हम तो 10 बार सोचते हैं कोई बात बोलने से पहले कि साला गलत ना हो जाए कहीं। तो देखिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ ऐसा ना हो कि आप भी जो है पोटी की लाइन में, जैसे उनको तरुण गिल भाई साहब को जो है कमोड में बैठा दिया था, आप भी लाइन में खड़े रह जाओ और आपका भी जो है सूख साख जाए पेट। आप उनको 2 दिन से नहीं आ रही, आपको 1 हफ्ते से नहीं आएगी, क्योंकि उनकी बॉडी में तो थोड़ा बहुत फिर भी मसल मास है, फिर भी थोड़ा बहुत दिखती है उनकी बॉडी। भाई साहब आपकी तो दिखती भी नहीं है, आप कहाँ क्या खेलोगे, क्या खाओगे, क्या कूदोगे, क्या नाचोगे यार स्टेज पर? भाई साहब आप रहन दो, माफ़ करो, वो ओलंपिया है, मजाक नहीं है। आप इधर आओ मेरे पास, बहुत सारी स्टेट चैंपियन होती है, मैं खिलाऊंगा आपको, चिंता मत करो, मैं खिलाऊंगा, मैं आपको तैयार करूंगा, चिंता मत करो। और रोड पर जब चलोगे आपको, तो 4-5 आपके पीछे आजू बाजू आपके बंदे लगा दूंगा, जो कि आपको कोई देख ना पाए, या सीधा आपको जो है क्रेन से जो है गाड़ी में रखवा दूंगा। आप टेंशन मत लो, आपको कोई नहीं देखेगा, कोई आपकी बेइज्जती नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा आपसे आपका पेट खराब है, ठीक है? थाई मारोगे अगर आप चलोगे, तो कोई नहीं बोलेगा आपसे पेट खराब है, मैं पीछे लिख दूंगा भाई बंदे ने आज थाई मारी है, हर कोई पढ़ के जो है समझेगा, ठीक है यार बंदा बहुत मेहनती है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं कहना। रोहित सर बहुत बहुत सॉरी आपको, मेरे को आपको कष्ट पहुँचाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन क्या करें आप बातें ऐसी करते हो यार, मुझे मजबूरन में ऐसी वीडियो बनानी पड़ती है। आप उठपटांग बातें कर देते हो, कुछ भी बोल देते हो यार, कुछ भी मतलब कुछ भी जो मर्जी आता है वो पेल देते हो आप YouTube पे यार, कुछ भी पेल देते हो। भाई साहब फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं ईमानदारी से, ऐसे नहीं बढ़ाते, पब्लिसिटी स्टंट करके कभी भी फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, कभी भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। आप ईमानदारी से कोई बात बोलो तब आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो,
आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते रोहित भाई को भी शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, नमस्ते। ओलंपिया में मिलेंगे अभी आपसे।